हालांकि विटगेंस्टीन का प्रभाव, दोनों विटगेंस्टीन का, अर्ली विटगेंस्टीन और लेटर विटगेंस्टीन, दोनों का प्रभाव आज के 20वीं सदी के जो भाषा दर्शन है, क्योंकि भाषा दर्शन के संस्थापक समझो, उसका बीजारोपण ही इन्होंने किया है कि सारी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं कि क्लैरिटी नहीं है हमारी भाषा में, और भाषा में क्लैरिटी आ जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम ऐसी जगह आते हैं कि भाषा को छोड़ करके व्यवहार की तरफ आते हैं, यानी हम एक यूटिलिटेरियन को लेते हैं, जॉन ड्यूई, अमेरिका के हैं जॉन ड्यूई, और अमेरिका के जितने थिंकर हैं, ख़ास तौर से यूटिलिटेरियन थिंकर जो हैं, उनमें ड्यूई का स्थान बहुत ऊंचा है। वैसे तो ड्यूई ने अपने व्यवहार को, जितने भी अपनी अनुभूतियां हैं, हमारे एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि अनुभव से ही ज्ञान आता है सारा, लेकिन उस अनुभव को कैसे व्यवहार में लागू करना है, मुझे कोई अनुभव हुआ और उस अनुभव का प्रयोग कैसे करूं मैं, कि उस अनुभव के आधार पर, तो ड्यूई ने प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दी हैं। जैसे ड्यूई का जो सिद्धांत है, वो एजुकेशन का सिद्धांत बहुत प्रभावी सिद्धांत है। एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत प्रभावी काम किया है कि अपने अनुभवों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारना है। दूसरा, इनका दर्शन जो है समाज शास्त्र की तरफ चला जाता है, और ड्यूई ने बहुत ज़्यादा काम किया है डेमोक्रेसी को मजबूत आधारों पर खड़ा करने के लिए, कि हमारे जितने भी सामाजिक अनुभव हैं, उन सामाजिक अनुभवों को कैसे अपने व्यवहार में लाएं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो जाए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में कहीं दल बदलू की समस्या आ रही है, कहीं बार बार इलेक्शन हो रहे हैं इसकी समस्या आ रही है, कुछ आ रही है, क्योंकि ड्यूई जैसा आदमी जो है कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो डेमोक्रेसी को आधार पर, अमेरिका में समस्या अभी नहीं आई है क्योंकि वहाँ कई ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन हम ड्यूई को के उस पक्ष को नहीं पढ़ते, उसको हमारा वो फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल साइंस वाले डेमोक्रेसी को देखेंगे तो ड्यूई का सिद्धांत पढ़ेंगे, और शिक्षा वाले जब देखेंगे तो बच्चा अनुभव से कैसे सीखता है और उसको अनुभव को जीवन में कैसे उतारता है, ये सारा शिक्षा वाले देखेंगे। इन सब के पीछे जो दर्शन खड़ा है ड्यूई का, उस दर्शन पर हम केवल विचार करेंगे, वो पक्ष हमारा पक्ष नहीं है, वो व्यवहार का पक्ष है। एजुकेशन वाले ड्यूई के एजुकेशन थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, हम केवल उनका ये देखेंगे कि ड्यूई के फिलोसफिकल विचार क्या है। तो ड्यूई को हम यूटिलिटेरियंस में मानते हैं सारे, उपयोगतावादी। अब उपयोगतावादी लोगों का जो काम मिलने और बैंथ हमने शुरू किया था इंग्लैंड से, वो अमेरिका में जब पहुंचा है, बहुत सारे उसमें परिवर्तन और संशोधन हो गए हैं। अमेरिका का प्रैग्मेटिज्म जो है और यूरोप का यूटिलिटेरियनिज्म जो है, ये अमेरिका में दोनों मिल गए हैं। जेम्स का प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो चीज़ हम करते हैं, अगर हमने, जैसे कल हम इनकी बात कह रहे थे कि समस्या उत्पन्न होती है, जहाँ से समस्या उत्पन्न हुई है हम उस जगह पहुँचे। वो जो एक जमादारनी थी, वो समस्या की जड़ में पहुँची कि समस्या शुरू कहाँ से हुई है। बच्चा जो है उसके हाथ जम गए हैं और वो ऐसे हो गए हैं कि खुल नहीं रहे और खोल नहीं पा रहा,
और बड़े बड़े थिंकर जो हैं लगे हुए हैं, बड़े बड़े आइडियलिस्ट थिंकर और फलां थिंकर, वहाँ उन्होंने इंजीनियर का उदाहरण दे दिया और डॉक्टर का दे दिया कि डॉक्टर ने कहा इसका एक हाथ काट दो तो ये हाथ खुल जाएंगे। तो इसी तरह से जो अपने आप को बड़े बड़े गहरे थिंकर मानने वाले आदमी हैं वो चीज़ों को उलझा देते हैं। विटगेंस्टीन यही कहता है कि फिलोसफिकल समस्या वो है जो पजलिंग हो, परप्लेक्सिंग हो, वो फिलोसफिकल समस्या है जो उलझाने वाली हो आदमी को। लेकिन उस समस्या को समझने वाला आदमी वो है जो देखे ये समस्या कहाँ से शुरू हुई। तो ये अमेरिका में इस तरह के लोग नहीं हैं। अमेरिका में प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकली करके देख लो हर चीज़ को, प्रैक्टिकल देख लो। तो जेम्स का प्रैग्मेटिज्म है अमेरिका में बड़ा ऊंचा, उसको रेडिकल एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। उत्कृष्ट टाइप का अनुभववाद, इंद्रिय अनुभववाद। इधर हमारा इंग्लैंड का, यूरोप का यूटिलिटेरियन जाता है। यूटिलिटेरियन का पहला आधार वाक्य ये है कि आदमी, हर आदमी जो है वो प्लेजर चाहता है, सुख चाहता है, कोई भी आदमी दुख नहीं चाहता। तो सुख ही जीवन का हमारे आदर्श होना चाहिए। सुख की प्राप्ति कैसे करें? लेकिन वो यूटिलिटेरियन जो था यूरोप वाला, उसको बेंथम ने तो कैलकुलस यानी मैथमेटिकल बना दिया। एक आदमी का सुख, दूसरे आदमी का सुख, तीसरे आदमी का सुख, तो उन सबको जोड़ दें तो सारे आदमी का मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, ये यूटिलिटेरियन वालों का सिद्धांत है। लेकिन इसी यूटिलिटेरियन के आदमी ने मिलने इसको अपने यूटिलिटेरियन को बेंथम वाले को ख़त्म कर दिया, क्योंकि मिलने का सारे सुख एक से नहीं होते। शेक्सपियर की सविता, शेक्सपियर की कविता सुनना उसका सुख, और पडिंग खीर बना करके खाना खीर का, ये दोनों सुख एक से नहीं होते। वो शरीर की जिभ्या को सुखी देने वाला जो है वो और तरह का सुख है, ये हार। तो जब सुखों के अंदर आप कैटेगरी बना देते हैं कि कौन सा हायर सुख है और कौन सा लोअर सुख है, तो यूटिलिटेरियन दुनिया ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फिर हमें ये बताना पड़ता है कि वो कसौटी कौन सी है, जिस कसौटी के आधार पर हम ये तय करें कि ये हायर सुख है, ये लोअर सुख है। और उस कसौटी अगर मानेंगे तो हम कहेंगे वो कसौटी जीवन का आदर्श है, सुख जीवन का आदर्श नहीं है। तो इंग्लैंड का यूटिलिटेरियन में दम तोड़ गया हुआ है इंग्लैंड का। बेंथम ने बहुत तकड़ा उसको साइकोलॉजिकल बेसिस पर खड़ा करना चाहा, पर मिल ने उसको क्वालिटेटिव ला करके, क्वालिटेटिव हेडोनिज्म, क्वालिटेटिव सुख, सुखों की क्वांटिटी तो आपने देख ली और क्वालिटी नहीं देखी। तो एक क्वालिटी शेक्सपियर का जो कि कविता है उसको पढ़ने का सुख जो है वो 50 कटोरी खीर खाने से ज़्यादा अच्छा हायर है। तो ये इंग्लैंड का यूटिलिटेरियन जो था, ये इंग्लैंड के अंदर आया, इसमें बहुत सारी वीकनेस थी, उन सब का संशोधन किया। तो अमेरिका में यूटिलिटेरियन को पवित्र करके, उसकी दूरियाँ करका के, और ड्यूई जो थे उन्होंने अपना एक शुद्ध यूटिलिटेरियन खड़ा किया। उस यूटिलिटेरियन का आधार इन्होंने बनाया जो नई नई साइंस की खोज हो रही थी, और उसमें इन्होंने दो ही फील्ड लिए, एक फील्ड लिया फिजिक्स का और एक फील्ड लिया इन्होंने बायोलॉजी का। इनमें बहुत सारी नई नई खोजें हो रही थी, उन नई नई खोजों को व्यवहार में कैसे लाया जाए, उनको व्यवहार में कैसे रखा जाए, उनको जीवन में कैसे उतारा जाए, तो इन्होंने अपने यूटिलिटेरियन को व्यवहार में लाने के लिए जो सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत का नाम इन्होंने रखा इंस्ट्रूमेंटलिज्म।
उस इंस्ट्रूमेंटलिज्म में दो बातें, दो सिद्धांत हैं जिसको इन्होंने साइंस के आधार पर अपना पाया। पहला ये दिया है कि नॉलेज इज इंस्ट्रूमेंटल टू एक्शन। जो नॉलेज एक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बनती वो नॉलेज नहीं है, वो गॉसिप है, गप मारना है। आपने एक घंटा गप मारी और ये नहीं बताया कि ये जो नॉलेज है ये कौन से एक्शन को प्रेरित करेगी, क्या एक्शन इसमें से निकलेगा। तो क्या है अनर्गल बात, गॉसिपिंग। और दूसरे इन्होंने कहा कि नॉलेज की ट्रुथ कैसे देखी जाए, कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान का अर्जन जो किया है मैंने, वो सत्य है या असत्य है। इसके लिए पता नहीं लोग क्या क्या ऊँचे ऊँचे सत्य के सिद्धांत बना के खड़े कर देते हैं, लेकिन उनका सत्य का एक ही सिद्धांत है, इंस्ट्रूमेंट। नॉलेज इज इंस्ट्रूमेंटल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम ही सत्य है, परम सत्य प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रेरित करती है थिंकिंग के लिए। जहाँ जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो कभी थिंकिंग करता ही नहीं, वो तो रूटीन में अपना मशीन की तरह जो काम चल रहा है, जीवन का चल रहा है। जब कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सोचना शुरू करता है, गहन प्रॉब्लम आ जाती है तो गहन थिंकिंग शुरू करता है। तो प्रॉब्लम जो है वही सत्य है। कोई ब्रह्म दुना बड़ा, इन्होंने आइडियलिज्म को तो खास तौर से जो अध्यात्मवादी हैं उसको बहुत क्रिटिसिज्म किया है। अध्यात्मवाद की सारी बातें मेयर गॉसिपिंग है, कोई जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। जितनी भी जीवन की प्रॉब्लम आती हैं, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम छोटी सी मान लो वो ये आई कि हम जब शहर में जाते हैं तो यहाँ अच्छी जलेबियाँ नहीं मिलती शहर में। तो हमने कहा एक प्रॉब्लम है कि शहर कुरुक्षेत्र के अंदर अच्छी जलेबी नहीं मिलती। जलेबी तो मिल जाती है, इमरती नहीं मिलती हैं। अब प्रॉब्लम तो हमारे पास ये है, हमने कहा भाई शहर के अंदर इमरती नहीं मिल रही, बड़ी प्रॉब्लम है। हम मंगाते हैं किसी को तो वही जलेबियाँ मिल जाती हैं बाज़ार में जो गाँव वाले खाते हैं, इमरती नहीं मिलती। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सोचना शुरू किया, क्योंकि प्रॉब्लम ही थिंकिंग को प्रेरित करती है। प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप कभी भी थिंकिंग कर ही नहीं सकते, आप फिलोसफर बन ही नहीं सकते। फिलोसफर वो होगा जो प्रॉब्लम को अध्ययन करे अच्छी तरह से, कैसी प्रॉब्लम है, कितनी सीरियस है, और इसमें से फिर वो समाधान निकालने के लिए, क्योंकि नॉलेज एक्टिवेट करेगी, एक्टिविटी बताएगी कि ये एक्टिविटी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व। इंस्ट्रूमेंट है नॉलेज तो एक्शन का। तो हमने जाकर के, महात्मा थे एक यहाँ शहर में बहुत बड़े, उनके पास गए। हमने कहा महात्मा जी बड़ी भारी प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमें इमरती खानी हो तो सहारनपुर से मंगवानी पड़ती है, शहर में इमरती बनाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने कहना शुरू किया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा इमरती नहीं खाता है, इमरती तो नश्वर है और ये है और वो है। और उन्होंने एक घंटे भाषण देने के बाद कहा जाओ बच्चा। मैंने कहा जी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो अनर्गल बात हो गई। तो DUE ने सारा जितने आइडियलिस्ट हैं उनको सबको उखाड़ा अच्छी तरह से। आइडियलिज्म प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल सहायता नहीं करता, अनर्गल बातें करता जिनमें कोई एक्शन निकलता ही नहीं। क्या एक्शन करें इससे, जाओ बेटा तुम्हारी आत्मा जो है हमारा है, इमरती क्या करेगी। तो समस्या तो सॉल्व हुई नहीं तुम्हारी, इमरती आत्मा की बातें इतनी सारी बता दी तुमने और एक्शन भी नहीं बताया, क्या एक्शन करें हम, के जिस तरह से ये हमारी। तो नॉलेज क्या हुई, नॉलेज तो है ही नहीं। तो DUE ने इस तरह के बहुत सारे मामले उठाए हैं और उसके लिए उन्होंने सहायता ली है।
अब इसमें एक बात और है जो ड्यूई कहना चाहते हैं, वो हम हिंदुस्तान पे लागू करके देखते हैं। ड्यूई कहते हैं कि हर प्रॉब्लम, हर एक्शन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए इस उद्देश्य से किया जाता है। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई आप सोचेंगे नहीं, क्या रूटीन काम करते रहेंगे। और जब आप प्रॉब्लम का सोचना शुरू करेंगे तो आपका एक उद्देश्य होगा खास कि इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। तो निरुद्देश्य कार्य हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। गीता में कृष्ण जी ने जो अर्जुन को भाषण देना शुरू किया उसका कोई उद्देश्य था या ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया कृष्ण जी ने? अर्जुन, उन्होंने देखा अर्जुन बैठा है चुपचाप और कृष्ण जी ने वहाँ करके बोलना शुरू कर दिया, कोई उद्देश्य नहीं। निरुद्देश्य बात जो है हो ही नहीं, संभव ही नहीं हो सकता। कोई एक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता जो निरुद्देश्य हो। ये प्रैग्मेटिज्म जेन्स का। तो तीसरी बात जो है इनकी, प्रॉब्लम जो है उसका कि नॉलेज क्या होगी, वो हमेशा एक उद्देश्य को लेकर के दी जाएगी। एक लड़का यूनिवर्सिटी में आया तो उद्देश्य लेकर के आया कि मैंने MA इकोनॉमिक्स में करना है। निरुद्देश्य नहीं आया कि मैं घर से आ गया, यूनिवर्सिटी में घूमता फिर रहा हूँ, जिस डिपार्टमेंट में चला गया उसी में एडमिशन ले लूँगा। ऐसा कोई, इतना दुनिया में कोई मूर्ख आदमी नहीं मिलेगा सारा कि मैं तो निरुद्देश्य काम कर रहा हूँ जी। तो ड्यूई कहते हैं कि जो ऐसा कहते हैं निरुद्देश्य, वो बिल्कुल मतलब सारी दुनिया को धोखा दे रहे हैं। निरुद्देश्य काम हो नहीं सकता। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे दी हम हिंदुस्तान में से, इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने वहाँ अमरीका की, इंग्लैंड उंग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है, अर्जुन ने से पूछा कृष्ण ने कि क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, चलो जी तुम बैठे हो, मैंने कर दिया, जलेबी कैसे बनती है, इमरती कैसे बनती है, लड्डू कैसे खाए जाते हैं, कपड़े कैसे पहने, मैंने बोलना शुरू कर दिया, बस गीता बन गई। निरुद्देश्य तो आदमी बात ही नहीं कर सकता, बोल ही नहीं सकता। बोलेगा भाई तो किसी उद्देश्य से बोलेगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो निरुद्देश्य क्रिया हो ही नहीं सकती। जितनी भी क्रियाएं दुनिया में होंगी उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ये यूटिलिटेरियनिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है। तो DV इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिज्म को। अब उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने कहा कि अध्यात्मवादी किसी समस्या का उदाहरण नहीं निकाल सकते, अनर्गल बातें करने लगते हैं, समस्या से दूर। अब अर्जुन की जो समस्या है वो ये है, अर्जुन ने कहा मेरी समस्या है धर्म सम्मूर चेता, I am confused अबाउट my ड्यूटी। अब समस्या तो ये है, हमने 18 अध्याय गीता के अर्जुन को सुनाए और बाद में देखा हमने कि समस्या सॉल्व हो गई या नहीं हुई। अब उसको धर्म का जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई या नहीं हुई? अगर हमने देखा कर धर्म की कन्फ्यूज़न तो दूर ही नहीं हुई थी, वहाँ तो हो गया तुम मेरी शरण में आ जाओ, मोक्ष मिल जाएगा। तो ड्यूई कहते हैं ये अनर्गल बात है। नॉलेज वही है जो समस्या को सॉल्व कर दे, ट्रू नॉलेज। ट्रूथ का जो ट्रूथ है उसका क्या है क्राइटेरिया? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रूथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर इनका इंस्ट्रूमेंटलिज्म ड्यूई का खड़ा होता है। पहली चीज़ ये कि ऑल नॉलेज, इफ इट इज नॉलेज एंड नॉट गॉस्पिंग, इट इज इंस्ट्रूमेंटल टू सम एक्शन। हमेशा नॉलेज ये बताएगी कि ये एक्शन करो, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तीर चलाओ तो तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ भी हम गीता के उसको ले सकते हैं कि निष्काम भाव से अर्जुन ने काम जो कर रहा है, तो कृष्ण जी ने यही कहा कि निष्काम भाव से काम कर। उन्होंने कहा निष्काम भाव से तीर चला, चाहे इधर को चला, चाहे इधर को चला, चाहे ऊपर को चला, नीचे कोई उद्देश्य नहीं तेरा, किसको मारना है मैंने कुछ। अब निष्काम भाव से तीर चला रहा है अर्जुन, कभी ऊपर को चला रहा है, कभी नीचे, कौए की तरफ चला रहा है, कभी चिड़िया की तरफ,
लोग कह रहे हैं मैं ठीक चला, क्योंकि कोई मैं उद्देश्य के साथ काम नहीं करता, मैं उद्देश्य सोच के काम नहीं करता, मैं तो निरुद्देश्य का भाव से काम कर रहा हूँ। तो निरुद्देश्य क्रिया तो क्रिया ही नहीं है, वो तो सारी ज्ञान है। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल। ज्ञान वो है जो बिल्कुल दिशा बता दे कि इस दिशा में क्रिया करो और ठीक क्रिया बता दे बिल्कुल, वो तो ज्ञान है, नहीं तो अनर्गल अनर्गल बातें हैं। तो ड्यूई की पहली चीज तो है कि नॉलेज मस्ट लीड टू एक्शन। दूसरा का काम क्या है कि नॉलेज वो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन देयर इज नो नॉलेज। थिंकिंग आपकी होगी नहीं, आप थिंकिंग करोगे ही नहीं। जानवरों की तरह से खाना खा लिया, पेट भर लिया, घूम गए, सो गए, आ गए। कोई जानवर फिलोसफर हुआ? किसी गधे को या घोड़े को या शेर को हाथी को आपने नाम सुना कि बहुत बड़ा फिलोसफर, बड़ा भारी थिंकर हुआ है? तो ऐसे हमारा लाइफ, अगर हम प्रॉब्लम नहीं आई हमारी लाइफ में तो ऐसे हमारी लाइफ हो जाएगी बिल्कुल। तो थिंकिंग कहाँ से शुरू होगी, फिलोसफी कहाँ से शुरू होगी, हायर थिंकिंग हायर थॉट कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? वो आएगा प्रॉब्लम से। रियलिटी क्या है दुनिया के अंदर? सबसे बड़ी रियलिटी है प्रॉब्लम। वही एक्शन के लिए आपको प्रेरित करेगी और वही नॉलेज के लिए। और फिर आप परखोगे कि मैंने जो नॉलेज प्राप्त की, क्योंकि सारी नॉलेज अनुभव से आती है, सारी नॉलेज अनुभूतियों से आती है, तो आपने जो अनुभूतियाँ प्राप्त की, अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभव को आप कैसे लागू करोगे? जिससे तो आप देखोगे मेरी नॉलेज ट्रू है या फॉल्स है, बेकार मैंने परिश्रम किए या। तो ट्रुथ के लिए क्या सकती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उस ज्ञान से, तो इसका मतलब आपको ट्रू नॉलेज हो गई। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो तीन चीज़ें हैं, इनका आधार लेकर ड्यूई अपना काम शुरू करते हैं।